तो जयंत चौधरी के साथ हमारे सहयोगी ने बातचीत की है और जयंत चौधरी ने कहा कि कुछ कमियां तो रही नहीं तो सत्ता में होते, हालांकि अब वो विपक्ष में बैठेंगे और जो उनकी जिम्मेदारी होगी उसे निभाएंगे। पूरी बातचीत आपको सुनवाते हैं। आप अपने विधायकों के साथ बैठ रहे हैं, समीक्षा कर रहे होंगे, लगातार वक्त बीत चुका है, 10 मार्च को फैसला आया था, आज काफ़ी टाइम हो गया है, समीक्षा करने के बाद क्या नतीजा निकल के आ रहा है, कहाँ कमी रह गई? कमियाँ तो रही हैं वरना हम लोग उस पार होते, लेकिन अब विपक्ष में बैठेंगे और जिम्मेदारी के साथ बैठेंगे और मेहनत करेंगे। कहीं ना कहीं जो हमारा मैसेजिंग था वो नहीं पहुँच पाया लास्ट माइल तक, और उसके कई कारण हैं। पहले दो चरण में कैंपेनिंग बंद हो गई, रोक लग गई, प्रतिबंध लग गए थे हमारे लोगों पर, मीटिंग नहीं कर सकते, रोड शो नहीं हो सकते, तो उन परिस्थितियों में भी हमने अपना प्रचार शुरू किया, रथ के माध्यम से हम निकले, बहुत उत्साहित भी हुए कार्यकर्ता और नौजवान निकल के आया। अब हमें उन सबको एक सूत्र में पिरोने की ज़रूरत है ताकि जिन लोगों ने हमारे पक्ष में मतदान किया है वो हमारे साथ खड़े रहें, हम उनके साथ खड़े रहें। जो लोग इस दायरे के बाहर रहे हैं, जो वोटर जिन्होंने वोट नहीं किया, खास फोकस हम उन पे करेंगे जिन्होंने इस चुनाव में मतदान नहीं दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई निराशा रही होगी, वो हम लोग उनका विश्वास नहीं जीत पाए, तो उन पे फोकस रहे। आपकी क्या भूमिका रहने जा रही है, आप लोग सदन में होंगे? बड़ी जिम्मेदारी है, और एक समय होता था कि जो मुख्यमंत्री होते थे वो विपक्ष वालों को पहले बुलाकर उनको काम देते थे, लेकिन अब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों में ज़्यादा जो है तनाव सा दिख रहा है। फिर भी हम उम्मीद करेंगे कि बिना किसी पक्षपात के जिस क्षेत्र से हमारे विधायक जीत के आए हैं उनको ज़्यादा तरजीह सरकार दे, और हम पूरा दबाव बनाएंगे, पूरा प्रयास हमारे विधायकों का होगा, सबसे एक्टिव मेंबर हाउस में रहेंगे और सड़क पे भी अगर आना पड़े तो सड़क पे सबसे पहले हमारे विधायक आएंगे। सवाल ये कि प्रदेश उपाध्यक्ष का आपका जो इंसिडेंट हुआ उसको किस तरीके से देख रहे हैं और पार्टी में क्या सब कुछ ठीक है? देखिए, एक आध लोग होते हैं, कुछ फ्रस्ट्रेशन उनकी होगी, लेकिन भाषा शैली उनकी उचित नहीं थी और जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी चाहिए, ना कि ठीकरा औरों पर फोड़ा जाए। और हमने संगठन भंग किया था इसी दृष्टि से कि नए लोगों को मौका दिया जाएगा। बाकी हम लोग संतुष्ट हैं, गठबंधन ने पूरा प्रयास किया, ईमानदारी से कार्यकर्ताओं ने कोशिश की, सीखेंगे कुछ और आगे बढ़ेंगे। लखनऊ से कैमरामैन वीरेंद्र के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। चुनाव में जीत हासिल कर सरकार नहीं बना पाने का दर्द न केवल समाजवादी पार्टी के सहयोगी आरएलडी को है और जयंत हार पर मंथन की बात कर रहे हैं, बल्कि उनसे पहले सपा के साथ विधानसभा चुनाव में ताल ठोकने वाले सुभाषपा के अध्यक्ष ओपी राजभर और महान दल के अध्यक्ष केशवदेव मौर्य भी हार पर मंथन की बात कह चुके हैं कि हर पार्टी, हर मोर्चा, हर गठबंधन प्रयास करता है कि हम सरकार बनावे। अब कहीं ना कहीं हमारी कोई कमी रह गई है, जैसा किसी मुहावरा है ना कि असफलता इस बात का द्योतक है कि सफलता के लिए प्रयास पूरे मन से हमने नहीं किया, कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी रह गई, हम जनता के बीच में अपने विचार को, अपनी सोच को हम उनके घर तक नहीं पहुंचा पाए, जिसके वजह से हम उसको फिर अध्ययन करेंगे, विचार करेंगे, फिर हम उनके बीच में जाएंगे, हम अपनी बात को कहेंगे। मैं ये कह रहा हूँ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के द्वारा महान दल कैडर का, महान दल के समर्थकों को इस्तेमाल कम हुआ, उस वोट पे फोकस समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को नहीं था कि ये वोट भी उन्हें मिल सकता है और ये भारतीय जनता पार्टी को नुकसान डबल का कर सकता है, और ये इस्तेमाल नहीं हुआ। अब उसके पीछे कौन सा कारण है? केवल ओवर कॉन्फिडेंस हुआ कि हम तो जीत रहे हैं, हमें ज़रूरत नहीं मेहनत करने की। समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी मुझसे मिलते थे, जो संपर्क में थे, सब में ओवर कॉन्फिडेंस था।